हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार सहवत आप सबको मेरे चैनल चक्कू दर्शन में स्वागत करता हूं। आज एक सुंदर और पवित्र दिन है। आज हम निकले हुए भगवान साईं राम का दर्शन करने के लिए। आज एक नया सुंदर जगह, नया मंदिर, नया स्थान। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। हाय फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हुए हैं साईं मंदिर, ये हिंजलिका टू के पास है। मेरे साथ बने रहिए, चलिए मंदिर के अंदर देखते हैं आज भगवान साईं राम का दर्शन करेंगे। जय श्री साईं राम। ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं, ये सिंह द्वार है, बहुत सुंदर भाव से सजाया गया है। इस मंदिर को साई सुंदर धाम के नाम से जाना जाता है और प्रेम साई गार्डन विलेज पिचिलोमा गाँव में स्थित है। और ये आप जब ब्रह्मपुर से हिंजली काटू की ओर जाते हो, हिंजली काटू का वेलकम बोर्ड आने से पहले, वहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले ही पिचिलोमा गांव में ये साईं मंदिर बहुत सुंदर भाव से बनाया गया है। अभी चलते हैं, अभी मंदिर का पहले भगवान साईं राम का दर्शन करते हैं, करने के बाद फिर मैं आपको सारे चीज़ें यहाँ की, जो भी संत सेवक है उनसे बातचीत करके मैं आपको यहाँ की विशेषता, मंदिर के बारे में सब कुछ मैं जानकारी देने के लिए कोशिश करूँगा। जो भी मेरे को जानकारी प्राप्त होगा मैं आप सबको जानकारी शेयर करूँगा। मेरे साथ बने रहिए, बहुत सुंदर दृश्य है आज का ये साईं मंदिर। चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करते बाबा का। जय श्री साईं राम। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର? ସକାଳେ କେତେଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ? ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ अच्छा, आरती रो 15 मिनट पूर्व भोग लगे, तापर आरती होला परे पोड पड़ जा। तबांगर मुख्य पर्व कौन? वार्षिक उत्सव रामनवमी। ଏଇଟା ଦିନ ସାରା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ? 6:30 ପ୍ରସାଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କେମିତି ଇଏରେ ମିଳୁଛି? ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା? ଆଉ ଥରେ କହିଲେ? 7-8-9-7-8-1-7। ଏ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ ନା କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା, ଆର କ'ଣ QR କୋଡ଼ ଅଛି ନା? QR କୋଡ଼ ଅଛି ଗୋଟେ, ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଅଛି, ସେ କୋଡ଼ରେ ସ୍କାନ୍ କରିକିରି ଆମାଉଣ୍ଟ ପଠାଇଦେବେ, ସେଠି ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, ସେ ଇଏରେ ବୋଲି ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଅବଶିଷ୍ଟ
जय श्री साईराम प्रभु। आप सहित कथबार्ता बहुत किसी आज जानवाक मिलला। सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगा। जो भी आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करना चाहते हैं आकर के ये कॉन्टैक्ट नंबर से साईराम का मंदिर से कॉन्टैक्ट करके आपका पावना प्रसाद हो चाहे पूजा हो जो भी हो ते हो। जय श्री साईराम, जय श्री साईराम, जय श्री साईराम। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, हर दीवार पे, हर डोर पे, हर खिड़की पे, हर कहीं भी देखो जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पर श्री बाबा का नाम रखा हुआ है। शीशे पे, दरवाजे पे, आप हर जगह में आप जहाँ जहाँ घूमते रहोगे आपको हर कोने कोने में बाबा जी का नाम मिलेगा। आपके यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं सतगुरु साई नमो। बहुत सुंदर भाव से यहाँ पर बाबा का नाम सारी जगह में लिखा हुआ है। ये आप लिफ्ट में भी आप देख सकते हो, अभी हम लिफ्ट में जाएंगे, लिफ्ट में भी देख सकते। जय श्री देखिए फिर सुंदर लिफ्ट का भी बंदोबस्त है बाबा के मंदिर में जाने के लिए। जो विकलांग है, वयस्क लोग है, जो कि 60 साल से ऊपर है, अभी हम ऊपर आ गए हैं। इतने सुंदर लिफ्ट के भी बंदोबस्त है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो साई सुंदर धाम विशेष पूजा अर्चना दक्षिणा तालिका है। और ये बाबा यहाँ का साई राम मंदिर का QR कोड है। बहुत सुंदर भाव से आप लोगों को कहीं किसी को कोई भी डोनेशन हो, कोई भी आपने देना चाहते हो तो आप QR कोड लेकर के वहाँ से आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हो। अभी हमारा दर्शन भोग प्रसाद हो गया है, अभी थोड़ा परिक्रमा करेंगे और नीचे का ये भी देखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। कितने यहाँ पर बनाए हुआ है देखिए बाबा का, बहुत सुंदर मूर्ति है। जो लिफ्ट में कितने मजा है देखो, कितने सुंदर लिफ्ट है। ये गुरु स्थान है, यहाँ गुरु जी का मंदिर बनाया हुआ। पहले ये मंदिर बना था, उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हो करके बड़ा साई मंदिर बना। पहले यही मंदिर था, यहाँ नीम की पेड़ है। नाग चंपा यहाँ आप देख सकते हो कछुआ है, देखो कुआं के अंदर
आपको नजर आएगा, कछुआ है। यहाँ पर जो बाबा का सेवक है, संत है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। हमारे को ये मंदिर का चारों तरफ का एक एक चीज़ समझा करके, देखा करके, साथ में रह करके पूरा हमारे को परिक्रमा करा करके प्रसाद वगैरह दे करके चले हैं। बहुत मनमुग्ध करने वाला उनके साथ व्यवहार रहा है हमारा। आज का यात्रा बहुत सुंदर यात्रा रहा, बाबा का दर्शन, भोग प्रसाद, परिक्रमा बहुत सुंदर भाव से आज दर्शन हुआ है। मन मुग्ध करने वाला मंदिर, आप लोगों को भी कभी मौका मिले यहाँ पर जरूर आकर एक बार भगवान साईं राम का दर्शन करके जरूर जाइए। अपने संपूर्ण परिवार के साथ आकर के जरूर दर्शन करके जाइए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। बहुत सुंदर दृश्य है, मन मुग्ध करने वाला। जब इसके ऊपर लाइटिंग पड़ेगा रात के समय आप देखोगे बहुत सुंदर दिखाई देगा। आज का ये वीडियो मेरा आप लोगों को कैसे लगा है कमेंट्स में बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और जो भी नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल में जुड़े हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला इसी तरह सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।